कॉपी बनाना आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ही आसान, उसमें जो है बराबर हाफ किया जाता है और प्लेन हो गया। मशीन का भी सेम जो है रफ नोटबुक, ये बनता कैसे है, जैसे ये गोल गोल सा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ देख दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि 304 पेज का ये रफ कॉपी जो है, रफ नोटबुक, ये बनता कैसे है। जैसे कि बहुत से लोग जो है परेशान हो जाते हैं, उनसे बनता नहीं है, तो देख लीजिए ये जो है इतना मोटा कॉपी है, ये 304 पेज का ये कॉपी है, जो कि इसका हम आप लोगों को साइज भी बताएंगे, कौन से कंपनी का पेपर लगाते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है, और बनाते हुए भी बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे ये बनता है। ये 40 बिक्री का ये रफ कॉपी जो कि 304 पेज का है, ठीक है। इसका जो आप शेप देख लीजिए, देखिए बिना मशीन का ये शेप बना हुआ है, ये बिना एज स्क्वायरिंग मशीन का ये बना हुआ है ना, और देख लीजिए ये है ना किस तरह का पेज है, कितना मोटा है, ये 304 पेज का है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए कि कैसे ये कॉपी, रफ कॉपी ये बनता है फैक्ट्री में। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ कॉपी को जो है फोल्ड किया जा रहा है, पेपर को 19 शीट से है ना, 19 शीट से इसको फोल्ड किया जा रहा है। ये जो है ये एक हो गया, ये 19 शीट से, ये 19 शीट से इसको फोल्ड कर दिया गया है। सबसे पहला काम जो है यही है, इसका साइज जो है 54x78 है। ये देखिए यहाँ पे जो है, ये तो 50x75 है, ये छोटा साइज का है, इसके पीछे बंडल है ना, इसके पीछे बंडल लगा हुआ है, उधर ही से इसको निकाला गया है। देखिए ये वाला है, इधर तो कुछ लिखा नहीं है फिर नहीं दिख रहा होगा, तो 54x78 साइज में है, 54 GSM में। और ये पेपर जो है, ऐसे तो हम लोग चलाते हैं गंगा, लेकिन ये पेपर जो है इंदिरा कंपनी का पेपर है, ये इंदिरा कंपनी में थोड़ा सा जरा सा पीलापन में रहता है पेपर, ये ऐसा कलर जो है थोड़ा पीलापन में रहता है। तो ये 19 शीट से यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, देखिए वहाँ भी फोल्ड हो रहा है, 19 शीट से, 19 शीट क्वार से यहाँ भी फोल्ड हो रहा है। और इसके बाद जो है इसमें क्या होगा वो भी आप लोग देखिएगा, पूरा पूरी कॉपी जो है आप लोगों को तैयार करते हुए दिखाएंगे इस वीडियो में कि 40 बिक्री वाला जो 304 पेज का कॉपी है वो बनता कैसे है। इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि कॉपी जो है 40 बिक्री वाला बनता कैसे है बिना एज स्क्वायरिंग मशीन के, है ना। यहाँ देखिए इस तरफ भी जो है कॉपी जो है पेस्टिंग होकर रखा हुआ है, और इसमें जो है ये 50 बिक्री का कॉपी है, ये देख लीजिए बिना मशीन का ये कैसे जो है ये शेप बना हुआ है, कोई एज स्क्वायरिंग कोई मशीन इसमें है नहीं, देख लीजिए सब कॉपी जो है 50 बिक्री का है। अब ये बन रहा है 40 बिक्री का 304 पेज, जो कि पहले फोल्ड हो रहा है, और इसके बाद का जो काम है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों ये फोल्ड हो गया हुआ है 40 बिक्री का कॉपी, और देखिए यहाँ पे जो है पिन हो रहा है, देख लीजिए ये पिन हो रहा है, 19 शीट के कॉपी में ये पिन हो रहा है, ये देखो है ना, ये पिन आ गया है, चारों पिन आ गया इसमें, 1, 2, 3, 4। ये इतना सारा जो है यहाँ पे है, ये सब पिन होगा, यहाँ पर पिन होके रखाया हुआ है ना। अब यहाँ देख लीजिए इस तरफ जो है ये यहाँ पलटैया हो रहा है, इसको अलट पलट के मतलब इसको तिल्ली से जो है इसको पलटैया किया जाता है। ये जो है ये लकड़ी का गुटका है, देख लीजिए ये जो है ये लकड़ी का गुटका है, इसी से है। और इस वाले कॉपी को जो है ना आधे आध ले करके मतलब पलट दिया जाता है इसको, है ना, आधा एक तरफ और फिर आधा दूसरे तरफ जो है लेकिन पलट दिया जाता है, ताकि फिर उसके बाद जो है इस तरफ का शेप हो जाता है, ये देखिए इस तरह का ये शेप बन जाता है।
पहले फोल्डिंग है ना, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये फोल्डिंग, इस तरह का फोल्डिंग होता है। उसके बाद जो है ये पिन होता है, ये दूसरा काम है पिन होने का। और तीसरा काम जो है यहाँ ये जो पलटैया हो रहा है, ये तो पलटैया जो हो रहा है ये हो गया तीसरा काम। और इसके बाद का जो काम है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कॉपी पूरा जो है पेस्टिंग तैयार होता है, और वो भी 304 पेज का। ये जो हो गया पेज जो है सिंगल, ये जो सिंगल पेज जो हो गया, देखिए ये 304 पेज का जो है ये आधा हो गया, तो 304 पेज का आधा हो गया 152 पेज। तो ये 152 पेज है। अब इसको 304 पेज हम लोग कैसे बनाएंगे, यही आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे आगे। तो वीडियो आप लोग जो है देखिए, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को और कैसे बिना मशीन का स्क्वायरिंग बनता है। देखिए यहाँ पलटैया हो जाने के बाद जो है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है पलटैया होने के लिए, तो यहाँ पलटैया हो रहा है, ठीक है ना। और देखिए वो उस तरफ रखाया गया है, उसको बराबर करके इस तरह से जो है ठोक करके यहाँ पे इसको बराबर करके रख दिया जाएगा, और इसको जो है एक दूसरे में जो है लई लगा के इसको जोड़ा जाएगा। अब जैसे कि 152 पेज जो था, उसको जो जोड़ने के बाद जो है ये 304 पेज हो जाएगा। देखिए किस तरह से जोड़ा जाता है इसको, है ना, ये इस तरफ जो है बराबर करके और इसमें लई लगा के इसको जोड़ा जा रहा है। ये लई है, बिल्कुल जोड़ के और उसी तरह से उठा करके उस तरफ एक साइड रखा जा रहा है। तो ये हो गया 304 पेज, 152 और 152 उन्हें सीट से जो फोल्ड हुआ, तो उसको अलट पलट करने के बाद जो है जो 152 पेज जो हो रहा है, तो उसमें से उसको एक से दूसरे को ज्वाइंट करने के बाद ये 304 पेज हो जा रहा है। अब हो गया ज्वाइंट ये, तो 304 पेज ये टोटल ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसको जोड़ने के बाद इसमें लई लगा के इसको पेस्टिंग किया जाएगा। और कैसे बिना मशीन का इसको बिल्कुल स्क्वायरिंग वाला इसको शेप दिया जाएगा। थोड़ा सा बचा हुआ इधर पलटिया करने के लिए, ये हो जाएगा तो फिर ये पेस्टिंग होगा। देखिए थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए कैसे इसमें ले लगाया जाता है। और ये रखने का तरीका देखिए कि किस तरफ जो है हेडिंग रखा जाता है और दूसरे तरफ जो है पॉइंट, मतलब ये सब चीज़ भी जो है आप लोगों को देखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो कॉपी आपका ख़राब हो जाएगा। इसको पेस्टिंग कॉपी भी बोलते हैं, जोड़ कॉपी भी बोलते हैं, ठीक है, रफ कॉपी भी इसको बोला जाता है। 40 बिक्री का रफ कॉपी 304 पेज में। देखिए दोस्तों ये जो है ना, अब ये पोर्ट पे जो है ये लई लगा जा रहा है, जोर होने के बाद, जोर के टाइम में तो लई लगाई, अब ये इस तरफ जो है पोर्ट पे लई लगा जा रहा है। देखिए पोर्ट पर लई लगा जा रहा है, इसी तरफ जो है कवर चिपकेगा, है ना, वो भी आप लोग को दिखाएंगे कि कवर इस पर कैसे चढ़ेगा ये लई लगाने के बाद। और लई लगाने का तरीका देखिए कि किस तरह से लई लगाया जाता है। ये नहीं कि ऐसे ही लई उठाएं और इसको पोत दिए, वैसा नहीं करना है, इसका भी एक तरीका है लई लगाने का। कॉपी बनाना आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ही आसान है कोई बनाना, नहीं, इस पर भी जो है ध्यान देना पड़ता है, अगर गड़बड़ाया तो कॉपी आपका सब खराब हो जाएगा। हर काम को सीखना दोस्तों ज़रूरी रहता है, देखिए समझिए सीखिए, करेंगे तभी इसका हैबिट बनेगा। देखिए पहले लई को जो है मतलब इधर से उधर लगाया गया, उसके बाद जो है मिलाया जा रहा है कि कोई तरह का इसमें जो है
ढेला खुट्टी जो है ना ना रहे, बिल्कुल प्लेन हो जाए, और उसके लई को जो है कॉपी के जो है ना ग ग के अंदर जो है लई चला जाए, इसी तरह से जो है लई लगता है। नहीं तो जो है कॉपी ये जो कॉपी में जो है कवर जो चढ़ाएंगे तो फिर जो है वो कवर उखड़ जाएगा अगर सही से लई नहीं लगेगा तो। चलिए ये लई लग गया है, अब इसमें जो है कवर चढ़ाया जाएगा यानी कि पेस्टिंग किया जाएगा। और देखिए पेस्टिंग करने के टाइम में भी वो हेडिंग वाला जो मुंह है ना उसको लग में ही रखा जाता है, अपने पास में रख करके उसको बराबर इसी तरफ से जो है हेडिंग तरफ से ही जो है बराबर किया जाता है। कोई भी काम मतलब कॉपी बनाने में कोई भी काम जो होता है हेडिंग के तरफ ही जो है बराबर किया जाता है, उसको अपने तरफ रख करके ही जो है काम किया जाता है। जैसे फोल्डिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया है ना, स्टिचिंग ही मारते हैं तो पहले हेडिंग तरफ ही मारते हैं, फिर उसके बाद जो है पलटिया करते हैं तो हेडिंग तरफ ही रख के पलटिया करते हैं, और ये कवर भी चढ़ाने का काम जो है हेडिंग तरफ ही अपने तरफ रख करके ही जो है किया जाता है। देखिए ये कवर जो है इसमें चढ़ाया जा रहा है, कवर इसका कटा हुआ था इसीलिए जो है जो कटा हुआ कवर है उसको चढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आपको कवर भी दिखाते हैं कि कवर कैसे कटिंग किया जाता है। तो कवर इसका डबल रहता है, मतलब एक में चार कॉपी का रहता है, ये दो कॉपी का है, एक में चार कॉपी का रहता है। तो उसमें कुछ नहीं, उसमें जो है बराबर हाफ किया जाता है, और कुछ लंबाई अगर छोटा बड़ा हो तो उसको बराबर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेस्टिंग, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद जब ये सूख जाएगा तब जा करके जो है इसको जो है कटिंग करना है। देखिए सूखने के बाद तुरंत कटिंग नहीं करना है, नहीं तो कॉपी जो है ख़राब हो जाएगा, ये कवर उखड़ जाएगा। देख लीजिए ये हो गया है ना, ये पेस्टिंग हो गया। अच्छा इसके बाद जो है एक काम और है, एक काम और है जो कि कटिंग नहीं है, इसके पहले कटिंग से पहले का एक काम है जो कि अभी आप लोग को दिखाएंगे इसमें क्या होगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कवर चढ़ाने के बाद जो है इसको फिर जो है ठोक करके बराबर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ है और इस तरफ है, ये इसमें कवर चढ़ गया हुआ। अब मेन काम जो है सबसे ज़रूरी काम है उसको किया जा रहा है ताकि ये कवर जो है ना उखड़े नहीं। इतना बारीकी से बताने का मकसद ये रहता है दोस्तों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और हम जो ये वीडियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई मशीन वशीन हम सेल करते हैं या पेपर रॉ मटेरियल सेल करते हैं, नहीं, बस आप लोग को जो है जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और थोड़ा सा शौक़ है हमको, वीडियो बनाने का शौक़ है, तो बस यही जो है जानकारी देने का शौक़ है, तो आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। और वैसे जो है मेरा एड्रेस जो हुआ, ये जो फैक्ट्री है ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। देखिए अब जो है इस पर तिल्ली मारा जा रहा है ना, इस पर जो है तिल्ली मारा जा रहा है, तिल्ली वही हो गया लकड़ी का गुटका, मतलब बराबर करने के बाद जो है दिखा देता हूँ, देखिए बराबर करने के बाद जो है इस लकड़ी के चौड़े गुटके को लेकर के बिल्कुल इस तरह से ऐसे करके इसको दाबा जाता है ना, इसको ऐसे चापा जाता है ताकि ये कवर जो है ये कॉपी में बिल्कुल पकड़ ले। देखिए कितना प्लेन हो गया। मशीन का भी सेम टू सेम यही काम है, एज स्क्वायरिंग जो मशीन है उसका भी सेम टू सेम यही काम होता है कि कवर को जो है कॉपी में चिपका देना, बैठा देना बिल्कुल, है ना। देखिए इसका भी बिल्कुल शेप बन गया पहले वाला में, देखिए यहाँ, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ देखिए इस तरफ जो है नहीं लगाया तो ये गोल गोल सा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ देखिए बिल्कुल प्लेन है ना। तो यही काम है इसका, इससे जो है यही काम होता है।
और यही काम होता है मशीन में। एज स्क्वायरिंग का जो मशीन है जिसमें बिजली खर्चा होता है और करीबन 2-2.5 लाख रुपए का जो है मशीन आता है, तो यही काम है उसका, ठीक है। तो पेस्टिंग कॉपी दोस्तों जोड़ वाला 304 पेज का जो कॉपी है रफ कॉपी, इसी तरह से दोस्तों तैयार होता है। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन जो है काम वैसा ही होता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।